खबर रीवा मध्य प्रदेश के समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। थाना समान पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र में हुई चार चोरियों का किया बड़ा खुलासा। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन पर थाना प्रभारी सामान्य निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम ने थाना क्षेत्र में हुई चार चोरी का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कई दिनों से समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस द्वारा की गई थी। तो उसी पर कई मोहल्ले के चोरों ने आतंक फैला रखा हुआ था, जहां चोरों द्वारा गाड़ी चोरी के बैटरी के पार्ट्स चोरी करना एवं रिपोर्ट थाने में दर्ज थी, जिसको गंभीरता में लेते हुए समान थाना पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। वहीं समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने बताया कि तीन आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनको न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में नागेंद्र उर्फ राहुल उर्फ नटवर विश्वकर्मा, पिता राजेंद्र विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी बदराव, थाना कोतवाली, जिला रीवा, रोहित पटेल उर्फ छोटू, पिता कौशल प्रसाद पटेल, 21 वर्ष, निवासी न्यू बस स्टैंड रीवा, संकल्प द्विवेदी, पिता धर्मेंद्र द्विवेदी, 23 वर्ष, निवासी देवरा, थाना रामनगर, जिला सतना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने समान थाना में आरोपियों के पास से MP 17 MD 1580 मोटरसाइकिल, HF डिलक्स, एक नग बैटरी एवं JBL बूफर, एक नग म्यूजिक सिस्टम, चार नग टायर, दो नग चार पहिया वाहन की लाइट, एक हाइड्रोलिक एवं जैक नकदी, 2000 रुपये कुल कीमती सामान, 2 लाख रुपये का सामान बरामद किया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सॉरी सर, ये चार चोरियों का खुलासा हुआ है, क्या है? पिछले कुछ दिनों में लगातार गाड़ियों से पार्ट्स चोरी हो रहे थे, स्टेपनी, कहीं बैटरी, अन्य पार्ट चोरी होते हैं, उनका गिरोह पकड़ाया है और उनके माध्यम से गाड़ियों के पार्ट्स, स्टेपनी, बैटरी, हेडलाइट आदि सामग्री जब्त हुई हैं। उसमें तीन आरोपी निकल कर आए हैं, छोटू और संकल्प और एक है नागेंद्र। ये तीन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय से केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया। ये कितने लाख का सामान होगा जो पकड़ा गया है? लगभग 2 लाख रुपए के सामान रिकवरी हुई है, इसमें मोटरसाइकिल चोरी भी जानकारी लगी है, वो भी डिटेक्ट हुआ है। आरोपी जेल भेज दिए गए।